अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर परिषद के महामंत्री सौरभ गौड़ ने कहा कि 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पंजीकरण हुआ था, जिसके स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद के रास्तों पर चलते हुए संगठन के विस्तार तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिए 20,000 पौधरोपण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के महामंत्री सौरभ गौड़ ने कहा, आनंद की जय, विवेकानंद की भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नंद के आनंद की जय, विवेकानंद की नंद के आनंद की जय, विवेकानंद की बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विशेषता ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, देश अपना माटी गोरखपुर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, नंद के आनंद की जय, विवेकानंद की। सौरव कुमार गौड़, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। परिषद 9 जुलाई 1949 को राष्ट्रीयकृत हुई थी। आज कल 9 जुलाई उसकी पूर्व संध्या पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपने स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पे हम लोग के प्रवास स्रोत स्वामी विवेकानंद जी एवं मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया एवं माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया। तो साथ ही साथ ये प्रण लिया गया कि विवेकानंद जी का जो संदेश है वो हम लोग जन जन तक पहुँचाएँगे, सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाएँगे, और हम लोग की जो इस बार पहुँच होगी वो सभी कॉलेजों में, सभी कैंपसों में होगी। ये कोशिश रहेगी कि हम लोग महानगर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों तक विद्यार्थी परिषद जाए और एक एक विद्यार्थी जो है विद्यार्थी परिषद के बारे में जाने। साथ ही साथ हम लोग का इस महानगर में 20,000 पौधों लगाने का लक्ष्य है। स्थापना दिवस के अवसर पे 20,000 पौधा हम लोग इस बार लगाएंगे और जो पर्यावरण जो हम लोग का प्रदूषित हो रहा है, कोशिश करेंगे कि हम लोग विद्यार्थियों तक पहुँचे और विद्यार्थियों को उसके बारे में बताया जाए ताकि वो भी लोग पौधा लगाने के लिए अग्रसर हो और हम लोग का जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको बचा सके। साथ ही साथ इसी तरह का हम लोग महानगर में विभिन्न विभिन्न कॉलेजों में हम लोग जो है कि संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, इस तरह के कई बौद्धिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहे हैं। इस बार जो है कि विद्यार्थी परिषद नए सत्र से पिछले सत्र से ज़्यादा काम करेगी और ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करने का प्रयास करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करेगी और संगठन को निश्चित तौर पर मजबूत करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।